अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब साफ है कि तुम एनिमेशन चैनल्स को देखते हो और स्पेशली तुम इन पॉपुलर एनिमेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। पर जैसा कि तुम्हें पता है कि नॉट योर टाइप, आरजे पकड़ लिस्ट और कीर्ति चाओ से लेके लिलियस और हार्टटून्स, ये सब पॉपुलर एनिमेटर्स हो चुके हैं। और अब तो इन सबको अंडररेटेड बुलाना भी बेकार ही है, क्योंकि एटलीस्ट इन सबको उतना तो मिल ही रहा है जितना ये डिजर्व करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ है कुछ ऐसे एनिमेटर्स जो कॉन्टेंट तो बेस्ट बना ही रहे हैं, प्लस उनकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी सही है और सही के साथ साथ बेस्ट भी है किसी किसी की, और हमें ऐसा लगता है कि ये एनिमेटर्स तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करते हैं। और वैसे तो एनिमेशन तुम्हारे ओवरऑल कंटेंट में ही आती है, पर हम ये बात उन सुपर ह्यूमंस के हिसाब से बोल रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी वीडियो की एनिमेशन क्वालिटी बढ़िया है तो ही वीडियो अच्छी है, अदरवाइज एनिमेशन अच्छा नहीं है तो कंटेंट भी शिटी है। पर यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। एनिमेशन से तो जज करेंगे, पर सिर्फ एनिमेशन से ही जज करें ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एनिमेशन वीडियोस में एनिमेशन के अलावा भी कई चीजें होती हैं जज करने को। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, वो भी पूरे 7 या 8 महीने के बाद। अब हम 7-8 महीने से क्यों गायब थे वो शायद तुम्हें लास्ट में पता चल सकता है, पर फिलहाल के लिए ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी के लिए एनिमेटर नंबर 5 की बात करते हैं। तो अभी उसके सिर्फ 4.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, पर वहीं उसकी एनिमेशन क्वालिटी काफी सही है। अब क्योंकि उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कॉन्टेंट क्रिएशन की फील्ड में आई हुए, तो ऑफकोर्स हर चीज बढ़िया नहीं है। हम बात कर रहे हैं डैम रूटीन की। इसकी वीडियोज अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वीडियोज की एनिमेशन क्वालिटी काफी सही है, और वैसे तो इसको 1 साल हो चुका है लेकिन इसकी लास्ट वीडियो खुद 7-8 महीने पहले आई थी, और इसके चैनल पे सिर्फ अभी 2 वीडियोस ही हैं, तो उस हिसाब से एनिमेशन क्वालिटी काफी बढ़िया है। पर एनिमेशन छोड़ के कंटेंट एकदम परफेक्ट है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना मांगता है, जैसे एनर्जेटिक वॉइस और वॉइस क्वालिटी वगैरह वगैरह, जो टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकती है अगर ये वीडियोस डालता रहा तो। और बाकी तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। नंबर 4 पे जो एनिमेटर है वो अंडररेटेड है या नहीं तुम लोग डिसाइड करके बताना, क्योंकि जब इसने चैनल बनाया था यानी 15 मार्च 2023, तब उसके जहाँ तक 0 ही सब्सक्राइबर्स थे, और आज जिस दिन हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं यानी 25 जून 2023, अभी इसको सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, पर सब्सक्राइबर उसके 90K से 95K अराउंड हो रखे हैं। हम बात कर रहे हैं चल बे की। अब आई डोंट नो इसने इस चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा है, बट द थिंग दैट आई नो कि ये टॉक्सिक का सेकंड चैनल है, या मे बी 3rd और 4th, whatever, बस इतना समझो कि टॉक्सिक इसका मेन चैनल है। खैर इसके कंटेंट पे आते हैं, तो इसकी जोक्स डिलीवरी, एनिमेशन और ह्यूमर वगैरह वगैरह ये सब जो है वो सही ही है, ना तो इतने भयंकर तरीके से मस्त है और ना ही इतनी बेकार है, ये इन सब के बीच में आता है ऐसा कह सकते हैं। हाँ हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे बिकॉज सबका टेस्ट अलग होता है, बस मेरे हिसाब से इतना है कि तुम बस बोर नहीं होगे, बाकी तुम्हें कैसा लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज लिस्ट में अभी और भी हैं एनिमेटर्स। और अगर तुम हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें याद होगा कि हमने तुम लोगों से पूछा था कुछ अंडररेटेड एनिमेटर्स के बारे में, जिसमें तुम लोगों ने बताया तो, पर उन सभी एनिमेटर्स में पता है क्या बात कॉमन थी, उन सभी एनिमेटर्स की एनिमेशन क्वालिटी तो काफी बढ़िया थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनकी एनिमेशन क्वालिटी ही बढ़िया थी, उसके अलावा जो कॉन्टेंट में आता है जैसे की वॉइस क्वालिटी, स्क्रिप्टिंग और ऐसी कई चीजें जिससे कॉन्टेंट एटलीस्ट देखने लायक बनता है, वो सब तो मिसिंग ही था, और यही एक बड़ा रीजन है कि वो एनिमेटर्स इस वीडियो में है ही नहीं। और जिनने सही में एनिमेटर्स बताए थे वो ऐसे अंडररेटेड एनिमेटर्स थे जिसका 70-80% चांसेस है कि तुम लोगों ने अंडररेटेड एनिमेटर्स को ऑलरेडी जानते ही होगे, जैसे कि एम्फ्रे, सिकनिक, स्पेक्स आर्टिस्ट वगैरह वगैरह, इन सब का काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम लोग ऑलरेडी इन लोगों को जानते हो। बट हमने इस वीडियो में ऐसे एनिमेटर्स को लाने का ट्राई किया है कि जिन्हें तुम सच में ना जानते हो। अब तुम उन्हें सच में नहीं जानते हो या जानते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से तो यही ट्राई किया। तो नंबर 3 पे है द सिबलिंग। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं कंटेंट पे। तो अगर तुम इसकी वीडियो पहली बार देखोगे तो शायद हो सकता है तुम्हें इसकी वीडियो स्लो फील हो, मतलब वीडियोस में चेंजेस देखने को काफी कम मिलते हैं, जैसे कि एक बैकग्राउंड काफी लंबे टाइम तक यूज कर लेती है किसी किसी वीडियोस में, ये हमने नोटिस किया है। बट वॉइस काफी ज्यादा इंगेजिंग है, एंड वॉइस के साथ साथ तुम अगर इसकी एनिमेशन स्टाइल देखोगे तो वो भी काफी बढ़िया है। हमें तो इस टाइप की एनिमेशन काफी बढ़िया लगती है, पर तुम अपने हिसाब से देख लेना। और बस यही रीजंस है जिसकी वजह से तुम इसकी वीडियो पूरी देख पाओगे, बाकी स्क्रिप्ट में हमें ऐसा लगता है कि इम्प्रूव हो सकता है, और बाकी हम तो अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी पिया इफ यू आर वॉचिंग दिस, तुम्हें बस यही बोलना है कि तुम स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, बस ऑफेंड होके चैनल पे स्ट्राइक मत दे देना, क्योंकि 7 महीने पहले हमने एक वीडियो में कुछ ऐसा ही ओपिनियन दिया था एक एनिमेटर पे, और बस उसकी वीडियोस में आने वाली वॉइस के इको के बारे में बोला था, तो उसके बदले उसने हमें स्ट्राइक दिया एक गिफ्ट के तौर पर, और डीएम में हमें
अप्रिशिएट करते हुए मेरी वॉइस को बदक की गांड से कंपेयर करके गया और उसी के बाद से बड़ा डर लगता है यार ऐसे गिफ्ट देने वालों से। पर खैर चलो नेक्स्ट एनिमेटर की ओर बढ़ते हैं। पर ये एक ऐसा एनिमेटर है कि जब तुम इसका कंटेंट देखोगे तो बस यही कहोगे कि भाई इसके सिर्फ 2K सब्सक्राइबर्स ही क्यों हैं। मतलब अभी तक हमने जितने भी एनिमेटर्स बताए हैं पहले तुम उनकी वीडियोस देखना फिर इसकी वीडियोस देखना, हम क्या बताना चाह रहे हैं समझ जाओगे। और जिनके बारे में हमने अभी तक बताया था उनकी एटलीस्ट ग्रोथ तो हो रही है, पर इसके केस में घंटा ग्रोथ हो रही है। कहने के लिए कुछ भी कहो पर जो सच में तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करता है वो यही है। तो इसका नाम है कैंडलविन। अगर तुम इसके कॉन्टेंट पे नजर मारोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एनिमेशन क्वालिटी, स्क्रिप्टिंग, जोक्स डिलीवरी ये सभी चीजें बढ़िया हैं और ये कोई मजाक नहीं है, सच में बढ़िया है। पर अगर तुम इसकी वीडियोस को ज्यादा ही ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस कर पाओगे कि पता नहीं क्यों पर हल्की सी वॉइस दबी हुई लगती है। आई मीन बेकार तो नहीं है और तुम इतनी जल्दी नोटिस भी नहीं करने वाले, बट हमने ये चीज नोटिस की है तो हमने ये बता दिया। और इजिली इम्प्रूव भी हो सकती थी अगर वो वीडियोस डाल रहा होता तो, पर अब तो उसको वीडियोस डाले हुए ही 1 साल हो चुका है और वो फ्यूचर में कभी कमबैक भी करेगा या नहीं ये भी नहीं बताया जा सकता। पर खैर जो नेक्स्ट और नंबर 1 पे एनिमेटर आता है वो एटलीस्ट लीव तो नहीं करने वाला, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी काफी बढ़िया चल रहा है और चले भी क्यों ना, कंटेंट जो बढ़िया बना रहा है और ऊपर से एनिमेशन क्वालिटी भी काफी बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। शायद हो सकता है तुमने गेस कर लिया हो हम बात कर रहे हैं सेट आउट की। और एनिमेशन के अलावा जो कंटेंट में स्क्रिप्टिंग, जोक्स डिलीवरी वगैरह वगैरह जो होता है वो सभी चीजें एकदम बढ़िया है। और जरा सी भी कहीं प्रॉब्लम लगी भी है तो वो है ऑडियो में, बिल्कुल कैंडल विंड की तरह इसकी भी आवाज थोड़ी सी दबी हुई लगती है जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें पहली बार में नोटिस भी नहीं होने वाला है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको साइड में भी रखा जा सकता है और तुम इजीली एंजॉय कर सकते हो इसकी वीडियो और बाकी तुम खुद जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर हम ही सब कुछ बता देंगे तो तुम देखोगे क्या। तो इसीलिए तुम अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो में हमने जितने भी एनिमेटर्स के बारे में अच्छी या बुरी चीजें बताई हैं वो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से बताई हैं, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। और खैर हम इतने दिनों से कहां गायब थे वो तो कभी और बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर तुम्हें इससे कोई सिमिलर वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लो।